ये समिति नए खंडों को स्वीकृति प्रदान करेगी, साथ ही समिति उन खंडों को भी अपनी मंजूरी देगी जो काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट में कथित धांधलियों को बेबुनियाद बताया है। चुनाव में सबूत के तौर पर सलमान खुर्शीद आज जरूरी दस्तावेजों के साथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। लंदन से वापस आने के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में बने रहने का फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।